वादत रोड पर गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज साथ साथ वाकिया हैं। ये तालीमी इदारे 140 केनाल एराजी पर कायम हैं और यहाँ के तलबा तालिबात खुशकिस्मत हैं कि उनके लिए खेल के 6 मैदान भी मौजूद हैं। लेकिन सारा दिन तो खेल के मैदानों में नहीं गुजर सकता। गर्ल्स स्कूल की इमारत की खस्ता हाली का ये आलम है कि प्लस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ है। मेन हॉल तो तकरीबन नाकाबले इस्तेमाल हो चुका है, पीने का पानी भी नहीं मिलता। गर्ल्स स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर फरखंदा सईद खान का कहना है कि अगर फंड्स पर वक्त जारी कर दिए जाएं, तो मौसम गर्मा की तातीलात में तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल हो सकता है। 140 कनाल का ये स्कूल है और 6 इस वक्त इसकी ग्राउंड्स हैं जहाँ पे पानी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। दूसरा 2000 इस वक्त तालिब इल्म है मेरे पास और उसके लिए पानी का मुखातर का इंतज़ाम नहीं। इसी तरह गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज़ में भी मेन हॉल किसी बोसीदा इमारत का मंजर पेश कर रहा है। हॉल की छत का प्लस्तर जगह जगह से उखड़ चुका है। यहाँ वॉशरूम है, न बच्चों के लिए पीने के लिए पानी का कोई बंदोबस्त किया गया है। स्कूल के हेडमास्टर नजर अब्बास जाफरी के मुताबिक महकमा एजुकेशन ने 60 लाख रुपए का फंड मंजूर किया, लेकिन 8 माह गुजर चुके हैं, काम शुरू नहीं हुआ। तो वो आपने देखा पट्टे गिर रहे हैं और बड़ी पुरानी छत है, 58 से बनी। हुकूमत ने तालीमी इदारों की हालत बेहतर बनाने और उनमें तमाम सहूलतें फराम करने के लिए रवा माली साल के बजट में अरबों रुपए मुख्तस किए। अब माली साल इख्तिताम को है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत इजार से बखूबी आया है कि इन फंड्स का किस हद तक दुरुस्त इस्तेमाल हुआ है। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ आमरा इब्रार, सिटी 42।